is Mutton. It never stops. फाइनली दोस्तों रिलीज होने जा रही साउथ की सुपरस्टार नागार्जुना की कैरियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है द गोस्ट। यह दोस्तों इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है जिसको सोशल मीडिया पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर आप इस मूवी का रिलीज होने का वेट कर रही हो तो आज आपको इस वीडियो में बताने वाला इस मूवी के रिलेटेड क्या है और इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको कौन देखने को मिलेगी और इस मूवी की कहानी क्या होने वाला है और ये मूवी आपको डायरेक्ट हिंदी डब में देखने को मिलेगी कि नहीं। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा साउथ के एक न्यू मूवी हिंदी डब में रिलीज चुका है जिसको आप अपने मोबाइल पर अभी देख सकते हो। वो कौन सी मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप भी बॉलीवुड से ज्यादा साउथ मूवी देखना पसंद करते थे इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखना। तो दोस्तों द गोस्ट जोके का एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली जिसकी रीड कास्ट आप सुपरस्टार नागार्जुना काजल अग्रवाल और सोनल चौहान को देख पाओगे। वही इस मूवी को डायरेक्ट किया है साउथ की जाने माने डायरेक्टर प्रवीण सटर जो की इससे पहले साउथ की कई सारे मूवी को डायरेक्ट कर चुकी है। और अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की खबरों को माने तो इस मूवी की कहानी आधारित है कि अमीर घर के लड़की पर जिसको एक खतरनाक गैंगस्टर ने किडनैप कर लेते हैं और उसके पेरेंट्स को कई सारे तरह तरीके का डिमांड करते हैं, हमारे डिमांड को पूरा करो नहीं तो तुम्हारे बेटे की हमारी हाथों से जान जाएगी। लेकिन उसका पेरेंट्स उस बात को ना सुनकर एक बॉडीगार्ड को जिम्मेदारी देते हैं उसकी बेटी को बचाने के लिए, जिसके बाद कहानी में एक नया मूड होता है जिसके आगे कहानी जाने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी। तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन के साथ साथ थ्रिलर भी देखने को मिलेगी। अगर आप भी नागा एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते तो एक बार जरूर देखना इस मूवी को। और अगर बात करें इस मूवी के रिलेटेड की तो मैं आपको बता दूं ये मूवी आपको 5 अक्टूबर को सिनेमाघर में देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल इस मूवी को हिंदी डब में नहीं रिलीज किया जाएगा, सिर्फ साउथ की भाषा में रिलीज किया जाएगा। और अगर बात करें दूसरी साउथ मूवी जो की हिंदी डब में रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है लाइक करो और ये मूवी हमारा टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो।